फर्स्ट लेटर यदि कॉमन हो, जैसे लिखिए डॉग, डक, डियर, डिमॉन, तो इसको अगर हम सजाएंगे तो किस तरह से सजाएंगे? इसको अगर हमें कहेगा कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका जो कॉमन है, इसमें भी डी है, देखिए फर्स्ट लेटर, इसमें भी फर्स्ट लेटर डी, इसमें भी फर्स्ट लेटर डी और इसमें भी फर्स्ट लेटर डी है, सभी में फर्स्ट लेटर क्या है? डी है। तो फर्स्ट लेटर को छोड़ करके सेकेंड लेटर को हम देखेंगे, इसमें सेकेंड लेटर को देखेंगे, सेकेंड लेटर इसमें क्या है? ओ, इसमें यू, इसमें डी, सॉरी ई, और इसमें भी ई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकेंड लेटर को देख करके चलेंगे कि कौन सा लेटर अल्फाबेट के अनुसार पहले आता है। तो इसमें ओ है, ओ, इसमें सेकेंड लेटर है यू, इसमें सेकेंड लेटर है ई, और इसमें भी सेकेंड लेटर है ई। तो आइए अब सेकेंड लेटर ई, डबल ई हो गया है। सबसे पहले हम पहला कौन लिखाएगा? ई लिखाएगा। तो ई में भी देखना है कि इसमें और इसमें दोनों में ई कॉमन है, सेकेंड लेटर भी कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, इसके थर्ड लेटर को देखेंगे। थर्ड लेटर इसमें क्या है? ई है और इसमें एम है, ई और एम है। तो यहां देखिए कि सबसे पहले ई आता है कि एम आता है? सबसे पहले कौन आता है, ई या एम? ई आता है। तो सब फर्स्ट में लिखेंगे क्या? डियर। सेकेंड में फिर हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में डमॉन, और थर्ड में ओ आता है या यू आता है? तो ओ आता है, तो ओ का आ गया डॉग, फिर लास्ट में डक। इस प्रकार से यदि एक फर्स्ट लेटर यदि कॉमन होता है तो सेकेंड लेटर को देखकर के हम अरेंजमेंट करेंगे, और सेकेंड लेटर भी फर्स्ट और सेकेंड दोनों होता है तो उसमें थर्ड लेटर को हम देख करके उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि थर्ड लेटर भी रहेगा कॉमन, वन टू थर्ड लेटर कॉमन रहेगा तो फोर्थ लेटर को देख करके हम चलेंगे अरेंजमेंट करेंगे, और फोर्थ लेटर तक फर्स्ट फोर्थ तक फोर्थ लेटर से कॉमन रहेगा तो फिफ्थ लेटर को देख करके चलेंगे। इस तरह से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अरेंजमेंट करेंगे।